हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों, मैंने आज इंटरनेट का वाईफाई राउटर परचेस किया है। दोस्तों, टेंडा ब्रांड का ये राउटर है और टेंडा के, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बढ़िया इसका प्रोडक्ट आते हैं टेंडा के। मैंने पहले भी इसके काफ़ी प्रोडक्ट परचेस किए हैं और मुझे हमेशा ही इसके प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, इसको हम एक बार खोल लेते हैं। Techno TV. पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग की गई है। दोस्तों, ये टेंडा की M300 सीरीज़ का प्रोडक्ट है और ये मॉडल नंबर इसका F3 है। वाईफाई का ये स्विच है। दोस्तों, ये जैसे कि आपके घर में इंटरनेट है, तो अगर आपका जो इंटरनेट का मॉडेम है, आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका जो इंटरनेट है वो वाईफाई हो जाएगा। तो आप जैसे ही आपका वाईफाई होता है, तो आपके घर में जितने भी वाईफाई वाले डिवाइसेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, आपका टैबलेट हुआ, या फिर आपका स्मार्ट टीवी हुआ, तो ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर पाएंगे वाईफाई से। और दोस्तों, दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर बैंडविड्थ सिलेक्शन कर सकते हैं। बैंडविड्थ सिलेक्शन से मतलब ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं हमारे घर में इंटरनेट की स्पीड तो कम आती है, हमने जो प्लान लिया हुआ है वो 2 MBPS की स्पीड वाला लिया हुआ है, तो हमारी एक डिवाइस ही 2 MBPS की स्पीड खा जाती है, तो बाकी हमारे डिवाइसेस को स्पीड नहीं मिलती है, तो वो बफरिंग चलती रहती है उन डिवाइसेस में, तो हम बाकी डिवाइसेस में इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते, एक ही डिवाइस हमारा सारा इंटरनेट खा जाती है। तो आप इस डिवाइस से अपनी जो भी इंटरनेट की स्पीड है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, हर डिवाइस के अंदर डिवाइड कर दीजिए। 2 MBPS का आपका प्लान है तो आप अपने टीवी में 100 KBPS की स्पीड डाल दीजिए, बाकी दूसरे में कम डाल दीजिए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस डिवाइस को आप उतनी स्पीड दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें से एक ये ब्रोशर निकला है, मैंने इसको खोल लिया है और ये इसका शायद वारंटी कार्ड होगा और ये इसका इंस्टॉलेशन गाइड है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आप इसको एक लैन वायर्स के साथ में आता है, उस लैन वायर से बस आपको अपने इंटरनेट के मॉडेम में लगा देना है इस राउटर को, और बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं किस तरह से आपको क्या करना है, तो आपको इंस्टॉल करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपकी है डिवाइड करने के लिए, तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड को भी बना के रखता है। और आप बैंडविड्थ का, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप बैंडविड्थ का यूज़ करके हर डिवाइस को अपनी स्पीड अलॉट कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्पीड आपके अलाउड कर सकते हैं, तो आपकी स्पीड का कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा आपके घर में। बहुत ज़्यादा आजकल आप देखते हैं घर में बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, तो सब में आप बराबर से डिवाइड कर दीजिए इंटरनेट की स्पीड। तो देखिए दोस्तों, ये इसका अडेप्टर है और ये टेंडा के मोस्टली अडेप्टर एक जैसे ही आते हैं दिखने में, लेकिन क्वालिटी वाइज दोस्तों बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है टेंडा के प्रोडक्ट की। 3 साल की वारंटी इन्होंने दी हुई है और मैं 10 सालों से इसकी डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, 10 साल तक भी इसकी डिवाइसेस ख़राब नहीं होती। और ये इसका आप देखिए बिल्कुल स्लिक डिज़ाइन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, वाइट कलर में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में। टेंडा इस पर ब्रांडिंग की हुई है और ये नीचे इंडिकेटर दिए हुए हैं आपके DSL के, इंटरनेट के। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो पीछे इसमें बहुत सारी जाली दी हुई है ताकि एयर इसमें से पास हो सके, ताकि आपका ये गर्म होकर ख़राब ना हो। मोस्टली हम देखते हैं जो राउटर होते हैं वो गर्म होकर ख़राब हो जाते हैं,
एसी सब घर में नहीं होता है तो गर्मी की वजह से ही ख़राब हो जाता है, तो इसमें एयर के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है। बाकी इसमें 3 एंटीना दिया हुआ है, पावरफुल फ्रिक्वेंसी है, आपकी जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका एक घर है तो आप छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक आप इसकी फ्रिक्वेंसी आपको अच्छे से मिल जाएगी। 3 इसमें पोर्ट दिए हुए हैं, 4 पोर्ट हैं, एक इनकमिंग पोर्ट आप इसमें डाल देंगे, बाकी आप जो लैंड वाले आपके डिवाइसेस हैं तो 3 आप इसमें लैंड की डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका 4-5 माले का घर है तो ये पूरे घर को आपकी दे सकता है, आपकी रेंज दे सकता है। इसमें पावरफुल एंटीना, 3-3 एंटीना दिया हुआ है, जितने ज़्यादा एंटीना होते हैं उतनी ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है राउटर की। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंपस है, तो आप उसको एक रिपीटर लगा सकते हैं, रिपीटर से भी आप इसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक ही लेन केबल इसके साथ में आई है, दोस्तों वाईफाई के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ अगर आपको लेन वाले डिवाइस जो कनेक्ट करनी है उन्हीं में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको सिर्फ मॉडेम से, इंटरनेट मॉडेम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस केबल के द्वारा, और वाईफाई की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं बिना वायर के। दोस्तों पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी की हुई है टेंडा ने, और ये आप देखिए दिखने में कितना बेहतरीन दिख रहा है, एकदम स्लिक डिज़ाइन है। आप इसको अपने टेबल टॉप पे रख सकते हैं, अपनी अपनी डेस्क पे भी रख सकते हैं, और दिखने में भद्दा नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसको वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं, पीछे इसके हैंग करने के लिए भी पॉइंट बनाया हुआ है। तो शुक्रिया दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। टेक्नो टीवी।